टैबलेट कहाँ है? ऑन कर दूँ? ना ना मेरे को देर में कर लूँगा। कनेक्ट हो जाओ भाई जल्दी से। अगर कनेक्ट हो गया तो मैसेज कर दो भाई, शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने nth ऑर्डर पढ़ा था, हम लोगों ने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा था, फिर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अब मैंने आपको जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स बताया था, फिर मैंने आपको सीधा nth ऑर्डर बताया था, और फिर मैंने आपको क्या बताया था भाई, फिर मैंने आपको कुछ भी बताया नहीं था, ठीक है। और इसको आज हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसमें मैं आपको कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी करवाऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। बहुत जनरल जनरल तो आपको आता ही होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा इसमें। देखो भाई, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, आपकी रिएक्शन जाती है ए से कहाँ, प्रोडक्ट पी पर। अब मैं स्टोकियोमेट्री को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं स्टोकियोमेट्री को छोड़कर चल रहा हूँ भाई, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा बाद में बात कर लेंगे। अभी देखो, गुड मॉर्निंग भाई, आफ्टरनून नहीं हुआ अभी, गुड मॉर्निंग सागर। ट्राई करेंगे असाइनमेंट का भी आगे वाली क्लास में, लास्ट में कर लेंगे कुछ, ठीक है। आगे वाली क्लास में कर लेंगे असाइनमेंट भी, कर लेंगे क्वेश्चन असाइनमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डाउनलोड करके रखना भी क्लास। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, चलो गुड आफ्टरनून भी ठीक है, होने वाला है अभी। कनेक्ट हो जाओ अभी सबके सब, बस बोर्ड पे ध्यान दो भी, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो भाई, आपके पास रिएक्टेंट ए है जो क्या बनाता है, प्रोडक्ट पी। रेट कांस्टेंट कौन है भाई, के। और यहाँ पर टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर कंसंट्रेशन ए, यहाँ पर जीरो। टी इज इक्वल टू टी पर कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना भाई, एक्स। सॉरी, ठीक है ना, हाँ भाई कनेक्टेड हो। मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस d ऑफ a माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर वन, क्योंकि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। यहां से क्या कह सकता हूं, यहां से कह सकता हूं कि dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये क्या बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स, माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स। लिमिट कहां भाई, a से a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। सही बात है। ये क्या होगा भाई, ये आएगा अपर लिमिट ln a माइनस एक्स माइनस ln a, और इधर क्या आएगा भाई, माइनस kt। ये क्या होगा भाई आपके पास, ये होगा ln a माइनस एक्स बाय a इज इक्वल टू माइनस kt। ये क्या होगा भाई, ये होगा आपके पास ln
a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। यहाँ पर क्या जाएगा भाई, के टी इज इक्वल टू 2.303 लोग a अपॉन a माइनस एक्स, लोग a अपॉन a माइनस एक्स। ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाय t लोग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना भाई, जब स्टोकियोमेट्री आ जाएगी, जब क्या आ जाएगी, जब स्टोकियोमेट्री आ जाएगी तो आपको क्या करना है, मान लो रिएक्शन होती है आपकी ऐसे, मान लो रिएक्शन कैसे होती है आपकी, m इंटू ए गोज टू प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या होता है भाई, रेट कॉन्स्टेंट। m इंटू ए गोज टू प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या होता, रेट कॉन्स्टेंट। सारी चीजें सही चलती, यहाँ पर क्या आता, वन बाय m, m कहाँ चला जाता, k के साथ में, फिर यहाँ पर m, 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 और यहाँ पर भी क्या आ जाता, m आ जाता। एक्सप्रेशन क्या आता, k इज इक्वल टू 2.303 बाय m इंटू टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x, लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x। जब स्टोकियोमेट्री इन्वॉल्व होगी तब ऐसा होगा। और आप ध्यान रखना भाई, नेट और गेट में, नेट और गेट में स्टोकियोमेट्री को पेपर वाला कंसीडर नहीं करता। तो चाहे यहाँ पर दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, पहले तो आप ऑप्शन चेक करोगे। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ऑप्शन ही स्टोकियोमेट्री वाला बन रहा है, तो आपको स्टोकियोमेट्री वाला ही आंसर लगाना है। और स्टोकियोमेट्री वाला ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है तो आप कौन सा लगाओगे भाई, फिर आप ये सिंपल वाला आंसर लगा दोगे। फिर आप क्या कर दोगे, सिंपल वाला आंसर लगा दोगे। क्लियर है भाई बात? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नेट गेट में स्टोकियोमेट्री को पेपर वाला कंसीडर नहीं करता। वो क्या कहता है, ये m into t है ना भाई, m into t है, m into t, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्या है, कांस्टेंट है। या फिर ऐसा कर लो, m को यहां लेके जाऊंगा, m into k क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और एक कांस्टेंट जो m है ना, वो किस में आ जाता है, रेट कांस्टेंट में ही आ जाता है, क्योंकि स्टोकियोमेट्री तो फिक्स है। अगर मैंने यहां पर दो लिखा ना, तो मतलब दो ही रहेगी हमेशा, तो रेट कांस्टेंट के साथ बार बार मल्टीप्लाई होकर आता रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जितने भी अलग अलग टाइम पे रेट कांस्टेंट देखूंगा, हर एक रेट कांस्टेंट दो से ही मल्टीप्लाई होगा, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है वैसे। इसीलिए नेट और गेट वाले पेपर में स्टोकियोमेट्री को कंसिडर किया नहीं जाता है, इसीलिए नेट गेट के एग्जाम में स्टोकियोमेट्री को कंसिडर किया नहीं जाता है। क्लियर होगी बात आपको यहां तक? ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ भाई, इसी रिलेशन के साथ आगे बढ़ता हूँ, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। देखो भाई, हमने लिखा है, हमने लिखा है लोग ऑफ, लोग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। a क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, a क्या होता है आपके पास, इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होती है उसकी वैल्यू, उसको क्या मानकर चलता हूं मैं, a नॉट, उसको क्या मानकर चलता हूं, a नॉट। और a माइनस एक्स क्या है भाई, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, जो कंसेंट्रेशन बच गई है, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन वो क्या हो गई भाई, वो किसके बराबर मानता हूं मैं, इज इक्वल टू ए, या फिर कह लो, या फिर और ए टी ऐसा भी कहते हैं, ए ही मानकर चलता हूं भाई। तो ये क्या आ जाएगा, एल एन ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है, एल एन ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये क्या आ जाएगा भाई आपके पास, ए इज ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस के टी। और किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के इंटू टी। या फिर क्या कह सकता हूं, या फिर क्या लिख सकता हूं, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू a into e की पावर माइनस के टी फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मैं यहां से ग्राफ बनाता हूं, किसका भाई, a माइनस एक्स का, ठीक है, किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ, a माइनस एक्स का ग्राफ टाइम के साथ, तो टाइम के साथ कैसा डीके है भाई, एक्सपोनेंशियल डीके है, किसमें, कंसंट्रेशन में, ऐसा आ जाएगा ग्राफ, ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है भाई। किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई यहां तक। किसी को डाउट हो तो पूछो भाई।
डाउट है तो बताओगे, किसी को डाउट हो तो। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। भूपेंद्र दोबारा से एप्लीकेशन चलाओ भाई, दोबारा से एप्लीकेशन ऑन करो, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। डाउट है तो बोलो भाई, किसी को ठीक है भी, ठीक है, किसी को डाउट नहीं। देखो भाई आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको और रीअरेंज कर सकता हूँ। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और अलग तरीके से रीअरेंज करता हूँ। देखो एक और ग्राफ बना सकता हूँ वैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट। देखो ये तो पहला ग्राफ मैंने बना दिया, पहला कर्व, दूसरा कर्व देखो भाई। देखो एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अगर मैं ग्राफ बनाऊं एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम, ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। स्लोप किसके बराबर होगा भाई? y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा। इसके बाद देखो भाई, फिर से देखो भाई, ये क्या होगा? एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है भाई, ये क्या होगा? एल एन ए माइनस एक्स बाय ए इज इक्वल टू माइनस के टी। आपको बस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा खेलना है और कुछ नहीं करना है। अब y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। ग्राफ कैसे बनेगा भाई? ग्राफ बनेगा ऐसे, इधर क्या है भाई टाइम, और नीचे क्या है एल एन ए माइनस एक्स बाय ए, दिस इज द कर्व, नेगेटिव में आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, कोई भी डाउट आपको यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी ग्राफ बना सकते हैं भाई आप, ग्राफ कितने भी बना सकते हो, और क्वेश्चन किसी भी कर्व से आ सकता है, ध्यान रखना। एक और कर्व बनाते हैं भाई सामने, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू क्या आ रही है भाई? माइनस के। इंटरसेप्ट क्या है आपके पास? एल एन ए। ये बन जाएगा एल एन ए माइनस एक्स वर्सेज, एल एन ए माइनस एक्स वर्सेज क्या आ जाएगा भाई? आ जाएगा टाइम, और ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा माइनस। इंटरसेप्ट क्या होगा? एल एन ए। इस तरीके से मैं अलग अलग वेरिएबल के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। बस मुझे क्या पता होना चाहिए? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, बात यहां तक। अब आगे बात करते हैं भाई, हमने इसके बारे में किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी हाफ लाइफ की, देखो भाई हाफ लाइफ क्या कहती है? वो टाइम जब रिएक्टेंट क्या हो जाए, जब रिएक्टेंट का अमाउंट इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, आधा रह जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हाफ लाइफ। उसे हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। ठीक है भाई, उसे बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ। देखो कैसे मैं निकाल सकता हूं, कैसे? एट टी इज इक्वल टू, देखो सिंपल एक्सप्रेशन तो क्या कहता है भाई? सिंपल एक्सप्रेशन कहता है kt इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, एट t इज इक्वल टू टी हाफ, हाफ लाइफ के ऊपर,
हाफ लाइफ के ऊपर कितना अमाउंट बच जाएगा भाई, ए बाय टू। हाफ लाइफ के ऊपर कितना अमाउंट बच जाएगा, ए बाय टू। वैल्यू को पुट कर दूंगा यहां पर, ये क्या आ जाएगा, के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए बाय टू। के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू, टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू डिवाइड बाय के। T half is equal to 0.693 divided by K. T half is equal to 0.693 divided by K. This is the half lifetime for the first order reaction. और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है भाई, independent of initial concentration. Independent of initial कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन के क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसेंट्रेशन ग्राफ बनाओ, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसेंट्रेशन को बढ़ाता जाता हूं तो हाफ लाइफ टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात, आई होगी बात समझ में। अभी एक सैंपल है, आपको ये बात शायद पता भी हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है ना, मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव रिएक्शन कैसी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली होती हैं। मोस्टली जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं वो किसको फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। अब मान लो किसी यूरेनियम के टुकड़े की या फिर किसी प्लूटोनियम की या फिर यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है भाई, वो 52,000 ईयर्स है, मतलब कि इतने टाइम के बाद जो यूरेनियम आपने लिया वो आधा रह जाएगा, वो आधा रह जाएगा। तो चाहे आपने ये 1 kg यूरेनियम लिया है ये भी कितना रह जाएगा इतने साल बाद, हाफ, और 2 kg लिया तो ये भी कितना रह जाएगा, 1, 4 kg लिया तो कितना रह जाएगा, 2। ये है इस बात का मतलब, ये है इस बात का, ठीक है। कंटेंट के ऊपर या फिर अमाउंट के ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती, हाफ लाइफ क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर होगी भाई बात, आगे बढ़ता हूं। अब बात करता हूं क्वार्टर लाइफ टाइम, अब बात करते हैं किसकी, क्वार्टर लाइफ टाइम। क्वार्टर तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हाँ, क्वार्टर लाइफ टाइम। देखो भाई, क्वार्टर लाइफ टाइम में एट टी इज इक्वल टू टी क्वार्टर के ऊपर कितना कंसंट्रेशन बच जाएगा, ए बाय फोर। ये क्या होगा, के इंटू टी क्वार्टर इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए बाय फोर इज इक्वल टू एल एन फोर। दिस इज इक्वल टू के इंटू टी क्वार्टर इज इक्वल टू एल एन टू की पावर टू इज इक्वल टू टू एल एन टू। टी क्वार्टर इज इक्वल टू टू एल एन टू बाय के, और एल एन टू बाय के क्या है भाई, टी हाफ। तो टी क्वार्टर किसके बराबर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज टी क्वार्टर इज इक्वल टू टू इंटू टी हाफ। क्वार्टर लाइफ टाइम कितना होगा भाई, हाफ लाइफ टाइम का डबल होगा। क्वार्टर लाइफ टाइम कितना होगा भाई हाफ लाइफ टाइम का डबल होगा। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। हाँ भाई हर्षिता, यही है, शैलेश कौन से ग्राफ में स्लोप बताऊं भाई, डाउट है तो पूछे भाई, आप लोग पूछो, डाउट है तो पूछ लो। सुगंधा ग्राफ क्या बताऊं, इनिशियल अमाउंट बढ़ने से हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
किसी की हाफ लाइफ इतनी इनिशियल पे इतनी है, तो आप इनिशियल को डबल कर दोगे, ट्रिपल कर दोगे, कितना भी कर दोगे, हाफ लाइफ क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी, सेम रहेगी भाई। सागर भाई पीछे वाली क्लास में बताया हुआ है मैंने, ये पीछे वाले सवाल मत पूछो भाई। क्वार्टर लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें अमाउंट कितना बच जाएगा, इनिशियल का 4/8, इनिशियल का 1/4 अमाउंट जब बच जाएगा उसे क्वार्टर लाइफ टाइम बोलते हैं, उसे हम क्वार्टर लाइफ टाइम बोलते हैं। टी क्वार्टर ये वाला कर, सेलिस कौन सा कर, ये वाला क्या? अरे ये तो एक्सपोनेंशियल डिके करेगा ना भाई, देखो समझ गया मैं। जब टाइम बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ेगा ई की पावर में, यहाँ पर टाइम 2 मिनट होगा, 4 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली घटेगा क्योंकि ये में नेगेटिव है ऊपर, नेगेटिव ऊपर। हो गया भी, हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कंप्लीशन टाइम की। कंप्लीशन टाइम कंप्लीशन टाइम कंप्लीशन टाइम कंप्लीशन टाइम के बारे में बात हुई थी, क्या था? एट टी इज इक्वल टू टी कंप्लीशन, अमाउंट कितनी बच जानी चाहिए? अमाउंट कुछ भी अमाउंट नहीं बचनी चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो मैंने क्या लिखा भाई, मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, ए इज इक्वल टू जीरो ओनली इफ टाइम टी टेंस टू इन्फिनिटी। जब यहां पर इन्फिनिटी रखूंगा ना, ई की पावर में इन्फिनिटी आएगा, तभी क्या हो सकता है, तभी ए जीरो हो सकता है, अदरवाइज ए जीरो नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए भाई, उनको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, उनको कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा। इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती, न्यूक्लियर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। कितना टाइम लेती हैं वो? इनफाइनाइट टाइम लेती हैं। वो कितना टाइम लेती हैं भाई? इनफाइनाइट टाइम लेती हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई। दैट्स वाई न्यूक्लियर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नेवर अंडरगोज कंप्लीशन, नेवर अंडरगोज कंप्लीशन। इसी वजह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह लो या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन कह लो, कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होती। बोलो भी, डाउट है तो किसी को? नहीं होगा भी डाउट, डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो भाई हाफ लाइफ का रिलेशन क्या है सबका। देखो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, जीरो ऑर्डर की बात करूं, तो टी हाफ क्या है भाई? टी हाफ है, टी हाफ क्या था जीरो ऑर्डर का? 3/2 इंटू के ऊपर ए, 3/2 KA, हाँ 3/2 AK। फर्स्ट ऑर्डर का कितना? अभी फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कितना है भाई? फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ है आपके पास 0.693/2। सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ आपके पास है, टी हाफ आपके पास 1/A × K, 1/A × K यही होगा शायद, एक बार मैं देख लेता हूँ। 1/A − x − 1/A = KT, आ जाएगा 2 - 2/A - 1/A = KT,
हाँ भाई, टू बाई ए माइनस वन बाई जीरो वन बाई, ठीक है भाई। जी हाँ, फर्स्ट का देख लेता हूँ एक बार, फर्स्ट का देख लेता हूँ। फर्स्ट का क्या होगा, ए माइनस एक्स ए माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू के टी, ए बाई टू इज इक्वल टू के टी। हाँ, ए बाई टू के, ये गलती से, ठीक है भाई। अब टी क्वार्टर क्या है, इसका टी क्वार्टर क्या है भाई, इसका टी क्वार्टर है 3/2 इंटू टी हाफ। इसका टी क्वार्टर क्या है भाई, 2 इंटू टी हाफ। इसका टी क्वार्टर क्या है भाई, 3 इंटू टी। चेक कर लेना भाई, ऐसे आएंगे रिलेशन, ये आएंगे रिलेशन आपके पास, ठीक है। अब देखो भाई, अगर देखो जीरो ऑर्डर की बात करो, जीरो ऑर्डर की बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप है ना, कई क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दोगे, जैसे आपसे पूछेगा ना कि ऑर्डर क्या होगा किसी भी रिएक्शन का, तो आप सीधा देख के बता दोगे। मान लो पहले कंसंट्रेशन कितनी, पहले अमाउंट कितनी है भाई, 10। पहले अमाउंट कितनी है, 10 जीरो के लिए, और हाफ लाइफ कितनी है भाई, 2 मिनट है, ठीक है। और अगर मैंने अमाउंट कितनी कर दी, मैंने अमाउंट कर दी 20, मैंने अमाउंट को कितना कर दिया, डबल। अगर मैंने अमाउंट को डबल कर दिया, अमाउंट को डबल कर दिया, तो टी हाफ भी कितना हो जाएगा, डबल। टी हाफ कितना होगा फिर, 4 मिनट। अगर मैं क्या कर देता हूँ उसके बाद, अगर मैं 5 कर देता हूँ, 40 गुना कर देता हूँ, या फिर 5 गुना कर देता हूँ, अगर मैं 10 का 50 कर दूँ तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 40 कर दूँ तो फिर कितना हो जाएगा भाई, फिर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या आ जाएगा 8 मिनट। अगर मैं 80 कर दूँ तो, 80 कर दूँ तो वो हो जाएगा 1 का 8 गुना, फिर कितना आ जाएगा, 16 मिनट। तो मतलब जितने रेशो में अमाउंट बढ़ेगी, उतने ही रेशो में हाफ लाइफ भी बढ़ती चली जाएगी। ये क्या है भाई, टी हाफ लिखे हुए सबके, और टी हाफ की वैल्यू मेरे पास है तो मेरे पास क्वार्टर लाइफ टाइम भी आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करूं, फर्स्ट की यहां बात करूंगा, अभी नीचे जगह है, इसी पेज पे बात करूंगा, सॉरी यहां पर जगह बची है। देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर की यहां बात करता हूं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में देखो, अगर अमाउंट 10 है, फिर अमाउंट कितनी कर दी, 20, फिर कितनी कर दी, 40, फिर कितनी कर दी भाई, 80। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी हाफ इसके लिए 2 मिनट है, इसके लिए भी 2 मिनट ही होगा, इसके लिए भी 2 मिनट ही होगा, और इसके लिए भी 2 मिनट ही होगा, ठीक है भाई, क्लियर है बात। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, अगर इनिशियल अमाउंट 10 है और हाफ लाइफ आपकी कितनी है भाई, 2 मिनट है, और अगर आपने अमाउंट इनिशियल कितनी कर दी, 20 कर दी, तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, उसका आधा हो जाएगी, क्योंकि कैसा रिलेट करता है भाई, इनवर्स रिलेशन है किससे, हाफ लाइफ से। अगर अमाउंट डबल होगी तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और अगर इससे भी डबल कर दिया, 40 कर दिया, तो 4 गुना हो गया, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, 2/4, ऐसे हो जाएगा भाई। इस तरीके से आप सभी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, सभी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो भाई। बोलो भाई, बोलो, अगर आपको बोला जाए कि देखो, अमाउंट बढ़ने से जिस रेशो में अमाउंट बढ़ रहा है और उसी रेशो में हाफ लाइफ बढ़ रही है, आपको डाटा दिया है, जिस रेशो में अमाउंट बढ़ा है अगर उसी रेशो में हाफ लाइफ भी बढ़ी है, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या आंसर लगाना है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर अमाउंट बढ़ने से हाफ लाइफ पर फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की है। और अगर अमाउंट बढ़ाने से हाफ लाइफ कम हो रही है, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर हुई होंगी वही चीजें कुछ, तो देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। बोलो,
देखो भाई एक और नोट डाल सकते हो आप, एक और नोट डाल सकते हो। देखो ऐसे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की देखो भाई, ए से ए बाय टू जाने में मतलब आधा होने में कितना टाइम लग रहा है अभी आपको, 10 मिनट लग रही हैं, ठीक है। तो ए बाय टू से ए बाय फोर होने में भी कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगी, क्योंकि अमाउंट आधी हो गई, अमाउंट आधी हो गई लेकिन हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको भूल जाओ, अब इससे आधा होना है क्योंकि अमाउंट तो आधी हो गई है, तो अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कहाँ जाओगे भाई, ए बाय एट होने में फिर भी कितनी लगेंगी, 10 मिनट लगेंगी, और सीधा ए से ए बाय फोर जाना है तो कितने मिनट लगेंगी भाई, 20 मिनट लग जाएंगी। बोलो भाई, डाउट हो तो किसी को, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। भाई बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको मेरे ख्याल से। जवाब दिया करो भाई, सब समझ में आ जाता है तुम लोगों को, जवाब देते ही नहीं हो फिर भी। देखो भाई अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस एग्जांपल करवाता हूँ, मिसलेनियस एग्जांपल फॉर, इनमें से एक बार भी कोई भी क्वेश्चन CSIR नेट में नहीं आया है। हाँ शायद एक बार आया है, एक बार आया है, एक बार आया है। पहला भाई, पहला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज गैसियस फेज। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फेज में है भाई, गैस फेज में है, तो उस टाइम आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से किस तरीके से डील करोगे, उस टाइम आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किस तरीके से डील करोगे, उस टाइम आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किस तरीके से डील करोगे। देखो भाई यहां पर देखो भाई, देखो देखो, अगर कोई जनरल रिएक्शन है, ऐसे कहां जा रही है भाई, बी जा रही है या फिर सी भी लिख लो, कोई जनरल रिएक्शन है वो कहां जा रही है, ए से बी प्लस सी जा रही है। मैं क्या मान रहा हूं, इसको मैं यहां मान रहा हूं गैसियस, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। अगर जनरल फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू जीरो पर यहां पर कुछ भी नहीं बना होगा, यहां पर जगह खाली होंगी ना दोनों की दोनों, और टी इज इक्वल टू टी पर इसमें से x अमाउंट टूट गया होगा, x b बना होगा, x क्या बना होगा, c बना होगा, लेकिन यहाँ पर गैसियस रिएक्टेंट हैं, और अगर मैं इसके लिए रेट इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी, इसके लिए सिंपली बन जाएगा kt इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस x। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन जो हम पहले कर चुके हैं अगर सिंपली मैं लिखता, लेकिन अगर यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट हैं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे रेट लोग इसमें लिखना होगा, रेट इक्वेशन किसमें लिखनी होगी, प्रेशर की फॉर्म में लिखनी होगी, एज हियर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वर इन गैसियस फॉर्म, एज हियर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वर इन गैसियस फॉर्म, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ
प्रेशर्स, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स। तो हमें क्या करना होगा रेट इक्वेशन को प्रेशर के टर्म्स में क्या करना होगा भाई, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब देखते हैं कैसे प्रेशर में लिखेंगे, अभी पता लग जाएगा, बहुत आसान है। देखो भाई, रिएक्शन थी ए गैसियस फॉर्म से जाएगा बी गैसियस और प्लस सी गैसियस, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो पर जब कोई बी और सी प्रेजेंट नहीं है, जब कोई बी और सी प्रेजेंट नहीं है, तो ए जो अकेला है ना वो कंटेनर पे कितना प्रेशर लगाता होगा, मैं मान लेता हूँ इनिशियल प्रेशर इतना लगाता होगा और मैं उस प्रेशर को मेजर भी कर सकता हूँ। जब टाइम टी हो गया, जब टाइम टी हो गया तो क्या हुआ होगा, इसमें से इतना प्रेशर लगाने वाली सब्सटेंस कहाँ कन्वर्ट हो गई होगी, बी में और सी में। कहाँ कन्वर्ट हो गई होगी भाई, बी में और सी में। अब मुझे पता नहीं है कि कितनी अमाउंट बी में और सी में कन्वर्ट हुई है। अगर मैं यहाँ ए और ए माइनस एक्स देखूँ तो यहाँ पर भी क्या है, ए और ए माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से सीधा रेट इक्वेशन, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस पी। लिख सकता हूँ भाई ऐसा सीधा, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं होगा कि कितना अमाउंट टूट के कंटेनर में, अब तीनों गैस आ गई हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। मुझे नहीं पता कि कितना प्रेशर कंटेनर में बी लगा रहा है और कितना कौन लगा रहा है, सी। हाँ, लेकिन मुझे इस टाइम पर उस कंटेनर का टोटल प्रेशर पता लग जाएगा। मुझे क्या पता चलेगा, पी टोटल, जो किसके बराबर होगा, एट टी टाइम टी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी टी। मुझे टाइम टी पर टोटल प्रेशर पता होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, यहां से लिखूंगा पी टी इज इक्वल टू पी आई माइनस पी। टाइम टी के ऊपर ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो सारे ही प्रेशर लगा रहे होंगे भाई। तो ये क्या बन जाएगा, पी आई माइनस पी प्लस पी और प्लस पी। ये क्या आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस पी। दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी आई, पी टोटल माइनस पी। इक्वेशन नंबर पहली, इक्वेशन नंबर दूसरी, इक्वेशन नंबर तीसरी। अब मैं P को कहाँ रख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे P नहीं पता, लेकिन मुझे इनिशियली टोटल प्रेशर पता है और T टाइम पे टोटल प्रेशर भी मुझे पता है, और इसकी वैल्यू कहाँ रख दूंगा यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T लॉग ऑफ पी आई बाय पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई, पी टोटल माइनस पी आई। देखो भाई, पी टोटल माइनस पी आई ये बन जाएगा आपके पास, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ पी आई बाई 2pi माइनस पी टोटल, 2pi माइनस पी टोटल, 2pi माइनस पी टोटल। चेक करो भाई, चेक करो एक बार, डाउट है तो किसी को पूछो। मार्कर गिर गया भाई नीचे। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। ठीक है भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और वो उसके लिए आपको रेट का एक्सप्रेशन बताना है, मैं आपको ऑप्शन भी लिख के दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक ए गैसियस गोज टू टू बी गैसियस प्लस सी गैसियस, आपको बताना है रेट एक्सप्रेशन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? पहला भाई ए ऑप्शन, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ 3pi बाय 2pi माइनस p टोटल। बी ऑप्शन, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ 2pi बाय 2pi माइनस p टोटल। सी ऑप्शन, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ 2pi by 3pi minus p total। D option, k is equal to 2.303 by t log of, यहां जाएगा pi divided by 3pi minus p total। बोलो भाई कौन सा option सही होगा? इसके लिए आपको k की value लिखनी है। विनय कुमार यादव सही है भाई। सागर सही है, सही है सागर। पिंकी यादव गलत है। शिवानी गलत है। और कोई? हर्षिता सही है। और कोई भाई? गौरव सही है भाई। बोलो भाई, बोलो बोलो फटाफट बोलो। प्रीति सही है भाई, भूपेंद्र गलत है। देखो भाई होगा कैसे, यहां देखो सॉल्यूशन। ए से जाते हो गैसेस फॉर्म, टू बी गैसियस प्लस सी गैसियस, ठीक है। इनिशियल प्रेशर पी आई, उसके बाद पी आई में से पी टूट गया, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टी के ऊपर। ये कितना बनेगा? टू पी। ये कितना बनेगा? P टोटल कितना है? देखो फिर से रेट इक्वेशन क्या बनेगी, 2.303 बाय T log of PI बाय PI माइनस P। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लेकिन अब P तो मुझे पता होगा नहीं, मुझे P टोटल निकालना पड़ेगा। P टोटल क्या है? P टोटल आपके पास है
पी आई माइनस पी प्लस टू पी प्लस पी, पी आई माइनस पी प्लस टू पी प्लस पी, ये बन जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी आई प्लस टू पी, पी इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी आई डिवाइड बाई टू। वैल्यू रख दूंगा यहां पर, यह आ जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ पी आई डिवाइड बाई पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई डिवाइड बाई टू। एलसीएम लूंगा, ये बन जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ, एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा 2pi, नीचे क्या होगा 2pi माइनस पी टी माइनस पी आई, दिस इज 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 2pi बाई 3pi माइनस पी टोटल। आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। देख लो भाई, एक और देता हूं भाई आप लोगों को, एक और लिख के दिखाओ, एक और लिख के दिखाओ भाई, एक और लिख के दिखाओ। देखो एक और क्वेश्चन है इसी फॉर्म का है भाई, 4a goes to, 4a gaseous form goes to 5b gaseous plus 4c gaseous, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन आपके पास है k is equal to 2.303 by t log of, log of यहां पर है आपके पास 5pi divide by, यहां लिखता हूं 9pi minus 4p total। दूसरा ऑप्शन k is equal to 2.303 by t log of 4pi डिवाइड बाय 9pi माइनस 5p टोटल। तीसरा ऑप्शन लिखता हूं k इज इक्वल टू 2.303 बाय t लॉग ऑफ 5pi डिवाइड बाय 9pi माइनस 5p टोटल। डी ऑप्शन लिखता हूं, यहां पर 4 करो भी, 4 करो भी, यहां पर 4 करो, 4 तो सेम ही हो जाएगा, हाँ ठीक है 5 ही कर लो, 5 ही कर लो, दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। डी ऑप्शन लिखता हूं, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन लिखता हूं भाई, नन ऑफ दिस। सोल्व करो इसको फिर से, आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं। करो भाई सोल्व, जल्दी से सोल्व कर दो। सोल्व कर दो, सागर CSIR नेट के अकॉर्डिंग आंसर बताओ भाई, जे के अकॉर्डिंग मत बताओ, CSIR नेट के अकॉर्डिंग आंसर बताओ भाई। विनय सही है भाई, विनय सही है, CSIR नेट के अकॉर्डिंग विनय आंसर सही है।
भूपेंद्र सही है, सही है, सही है भूपेंद्र, सही है भाई। बाकी बच्चे बताओ जल्दी से। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ फिर मैं आपके लिए। सही है भाई गौरव। और कोई? अच्छा बोलो भाई, और भी बाकी बोलो। देखो भाई, देखो यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, ये बनेगा कुछ ऐसे सॉल्यूशन। देखो भाई, अगर आपको केवल यही ऑप्शन दिए गए हैं पेपर में, अगर आपको केवल यही ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बताता हूँ एक बार सोल्व करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 4A, 4A गोज टू 5B प्लस 4C। इनिशियल प्रेशर क्या है भाई? पी इनिशियल, और पी इनिशियल में से कितना जाएगा? 4P जाएगा। कितना बचेगा? 5P और प्लस 4P। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? इसकी इक्वेशन बनेगी KT इज इक्वल टू, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग ऑफ PI अपॉन PI माइनस 4P। ऐसा बनेगा भाई, अपॉन PI माइनस 4P, PI माइनस 4P। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा भाई? यहाँ से P टोटल इज इक्वल टू PI माइनस 4P प्लस 5P प्लस 4P। ये आ जाएगा P टोटल इज इक्वल टू PI प्लस 5P, P इज इक्वल टू P टोटल माइनस PI बाय 5, P टोटल माइनस PI बाय 5। वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T लॉग ऑफ PI बाय PI माइनस 4 इंटू पी टोटल माइनस PI डिवाइड बाय 5। ये बन जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 बाय T लॉग ऑफ, 5 जाएगा ऊपर 5 PI, नीचे आ जाएगा 5 और 4 9 PI माइनस 4 P टोटल। आंसर विल बी फर्स्ट। लेकिन ध्यान रहे भाई, लेकिन ध्यान रहे, ध्यान रहे, एक गड़बड़ आपसे हो सकती है यहाँ पर। अगर ऑप्शन ये वाले दिए हैं तो यही वाला आंसर होगा फर्स्ट, अगर ये वाले ऑप्शन, और यहाँ पर नन दिए नहीं दिया, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी दे दिया गया है तो आंसर होगा फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर स्टोकोमेट्री है किसमें? रिएक्टेंट में, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। जो स्टोकोमेट्री होगी वो टाइम के साथ आ जाती है, जो स्टोकोमेट्री होती है किसके साथ आती है भाई? टाइम के साथ आती है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या भाई? फर्स्ट। अगर एक ऑप्शन ये वाला दिया है और एक ऑप्शन और दिया, मैं एक और ऑप्शन बना दूंगा, यही वाला ऑप्शन दिया बस वहां पर 4 नहीं लगा, तो ये वाला आंसर होगा भाई, क्योंकि पेपर वाले ने ऐसा ऑप्शन दे दिया जिसमें स्टोकोमेट्री दी हुई है। अगर स्टोकोमेट्री दिया हुआ कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो फिर आंसर हो जाता फर्स्ट, फिर आंसर फर्स्ट हो जाता भाई। ध्यान से याद रखना इस चीज को, ध्यान रखना इस चीज का, आपको आंसर के अकॉर्डिंग चलना है, आपको खुद के दिमाग से नहीं चलना, आंसर के अकॉर्डिंग चलना आपको। PT है ये।
बोलो भाई, डाउट है तो किसी को बोलो, बोलिए डाउट है तो। प्रीति भाई आपके नेटवर्क में इशू है, बोलो इसमें किसी को डाउट है तो। इसके लिए शॉर्टकट बताता हूँ भाई, देख लो, सुन लो, आपको बार बार डेरिवेशन नहीं करना, शॉर्टकट सुन लो। शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप। यहाँ पर क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी इंटू लॉग समेशन ऑफ स्टोकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इंटू पी इनिशियल डिवाइड बाय समेशन ऑफ स्टोकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इंटू पी आई माइनस समेशन ऑफ स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इंटू पी टोटल। मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ इसमें, फिर से लिखता हूँ, पी आई और पी, जैसे मैंने वहां पर लिखा था, 4a goes to 5b plus 4c, k is equal to 2.303 by t log of summation of stoichiometry of product minus reactant। प्रोडक्ट की कितनी है भाई, 5 जमा 4 9, और 9 में से 4 का कितना रह गया 5, और पीछे कौन, पी आई, डिवाइड बाई प्रोडक्ट की स्टोकियोमेट्री टोटल, 5 और 4 कितना है 9, 9 पी आई, और रिएक्टेंट की कितनी है भाई 4p। दिस विल बी द एक्सप्रेशन, डायरेक्ट लिख सकते हो भाई, डायरेक्ट लिख सकते हो बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे वाली कैटेगरी की, आगे वाली कैटेगरी की बात करते हैं। सभी की वीडियो बफरिंग बफर हो रही है क्या भाई, सभी की वीडियो बफरिंग हो रही है क्या, बताना एक बार, सभी की वीडियो में बफरिंग हो रही है क्या, बोलो एक बार। अभी ठीक चल रही है क्या, अभी बताओ ठीक चल रही है क्या, देखो भाई ठीक है, ठीक है, अब सही चल रही है, आगे देखो भाई। दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ सोलिड, जैसे किसका, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 सोलिड कहाँ जाता है, CaO सोलिड प्लस CO2 गैस। अब भाई जहां जैसे कि यहां पर गैस आ गई प्रोडक्ट में, तो आप सिंपल रेट लॉ की इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, ये किसको फॉलो, फर्स्ट ऑर्डर को जो फॉलो करता होगा, जो सॉलिड का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता होगा। ठीक है भाई, अब देख लो, अब तो सही आ रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जो फॉलो करता होगा डिकम्पोजिशन का, सॉलिड का डिकम्पोजिशन, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर अगर मैं सिंपली चलूँ तो मैं इसको एक जनरल रिएक्शन लेता हूँ, ए सॉलिड गोज टू बी सॉलिड प्लस सी गैसेस,
सीक्वेंस इस तरीके से जाएगा। टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या होगा भाई, इनिशियल कंसेंट्रेशन ए होगी, ये भी कुछ भी नहीं होगा और ये भी कुछ भी नहीं होगा। टी इज इक्वल टू टी के ऊपर ये ए माइनस एक्स, ये भी कितना होगा एक्स और ये भी कितना होगा एक्स। एज गैसियस रिएक्शन सो वी हैव टू डील इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वी हैव टू डील इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। हमें किसके टर्म में डील करना होगा भाई, प्रेशर के टर्म्स में डील करना होगा। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में डील करता हूं तो ये कैसी रिएक्शन होगी भाई, ए तो सॉलिड, फिर बी सॉलिड और फिर सी क्या भाई गैसेस। ए सॉलिड, बी सॉलिड और सी क्या आ गया गैसेस आ गया। यहां तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। अब जब टी इज इक्वल टू जीरो होगा तो कितना प्रेशर होगा भाई, पी इनिशियल, यहां पर कुछ नहीं और यहां पर भी कुछ नहीं। टी इज इक्वल टू टी के ऊपर इसमें से कुछ अमाउंट उधर टूट गई है तो यहां पर क्या होगा भाई, पी इनिशियल माइनस पी, यहां पर भी पी और यहां पर भी क्या होगा पी होगा। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अब जैसा कि कैसी रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो कब कंप्लीट होगी, जब टाइम क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, जब टाइम क्या हो जाएगा भाई इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा और ये किसके बराबर बन जाएगा, ये सारा का सारा पी इनिशियल इधर चला जाएगा, तो ये भी पी इनिशियल और ये भी क्या पी इनिशियल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर एक बात देखना भैया, इनिशियल प्रेशर क्या मानकर चलता हूं भाई, पी इनिशियल। टाइम टी पर कितना प्रेशर मानता हूं, पी टी, ये इनफाइनाइट है, यहां पर क्या मानता हूं पी इनफाइनाइट। किसी को भी डाउट, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में बोला कि मुझे नहीं पता होगा कि कितना कितना सॉलिड टूट गया है, लेकिन मुझे यहां जरूर पता होगा कि सारा का सारा सॉलिड टूट गया। ठीक है, अब जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि मुझे पता है कि इनिशियली क्या है भाई सॉलिड, इनिशियली क्या स्टेट है सॉलिड, ये तो मैंने समझाने के लिए मान लिया, बट सॉलिड नेवर एक्सर्ट ए प्रेशर, नेवर एक्सर्ट प्रेशर, सॉलिड फॉर्म कभी भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती। ठीक है भाई, और इसके बाद ना तो ये पी आई होगा, ना ये पी आई होगा, ना ही ये वाली टर्म बचेगी क्योंकि सॉलिड है ये भी, और ना ही ये वाली टर्म बचेगी। बचेगी कौन सी टर्म भाई, बचेंगी ये वाली टर्म, क्योंकि यहां पर क्या है भाई गैसेस फॉर्म, ये भी ना बचेगा भाई, ये भी ना बचेगा, इनमें से कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि वो क्या है भाई, वो सॉलिड है। ठीक है, अब यहां से एक बात क्लियर होती है भाई, जो पी इन्फिनिटी है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी इन्फिनिटी प्रोपोर्शनल टू पी इनिशियल, और पी टी प्रोपोर्शनल टू पी, पी टी प्रोपोर्शनल टू पी। और इसके लिए जनरल रेट इक्वेशन लिखो तो अभी मैं भूल जाऊंगी वो सॉलिड है, एक बार के लिए मैं भूल जाऊंगी वो सॉलिड है, और जनरल रेट इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, वो हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log of pi by pi minus p। इससे मैं ये वाली बात लिख सकता हूं, लेकिन ना तो मुझे pi का पता और ना मुझे p का पता। हां पर मुझे ये जरूर पता है कि जो इन्फिनिटी पे प्रेशर होगा ना वो किसके बराबर होगा भाई, इनिशियल वाले के बराबर होगा, जब इनिशियल पूरा टूट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2.303 by t log of p infinity by p infinity minus pt। अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना, अगर किसी रिएक्शन में गैसेस प्रोडक्ट है, अगर किसी रिएक्शन में गैसेस प्रोडक्ट है तो जिस कंटेनर में आपने वो रिएक्शन करवाई है उस कंटेनर का केवल आप क्या करोगे, टी टाइम पे प्रेशर मेजर कर लोगे और पी इन्फिनिटी पर प्रेशर मेजर कर लोगे, और पी इन्फिनिटी और पी टी का प्रेशर यहां रखोगे, टाइम यहां रखोगे, क्या आ जाएगा रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। आपको सॉलिड की कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, सॉलिड्स की कंसंट्रेशन की जरूरत आपको नहीं है। बोलो भाई क्लियर हुआ होगा ये, सागर हटा दिया मैंने, बोल रुका करो थोड़ा सा, रुक जाया करो थोड़ा सा, रुकते नहीं हो पहले बता देते हैं।
बोलो भाई, डाउट है तो किसी में। क्वेश्चन तो इस पर सीधा आएगा, बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। तो क्या करेगा क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला ऐसा कह देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, इस तरीके का डिकम्पोजिशन है, और जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है वो आपको एक टेबल दे देगा ऐसे, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर प्रेशर, पूरी की पूरी वेसल का प्रेशर दे देगा। कहाँ पर टाइम आपको देगा? जब टाइम 20 सेकंड होगा या फिर 20 मिनट होगा, और जब टाइम क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। यहाँ पर प्रेशर दे देगा आपको 20 एटीएम, यहाँ पर प्रेशर देगा आपको 100 एटीएम। आपसे क्या पूछेगा? आपसे सिंपल पूछेगा। क्या भाई? आपसे सिंपल पूछेगा कि इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। आपको सिंपल रेट कांस्टेंट निकालना होगा, सिंपल रेट कांस्टेंट निकालना होगा, सिंपल। और कुछ नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना। और बोलो, सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा भाई। हो गया भी क्लियर? क्लियर हो गया होगा शायद। बोलो डाउट है? हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद या फिर इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। अल्फा और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है, अभी सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन आया भी है, दो नंबर का। एक पॉलीमर को बोला था सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और उसके लिए क्या पूछा था आपसे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आप लोगों ने 11 12th क्लास में। अल्फा होता है, अल्फा किसके बराबर? अमाउंट डिसोसिएटेड, और यहां पर क्या? अमाउंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट, डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट। क्लियर है भाई बात? आगे बढ़ता हूँ भाई। देखो, यहाँ पर मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ, सिंपल ही ए से कोई रिएक्शन जाती है बी, पक्का फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। टी इज इक्वल टू जीरो पर ए, यहाँ पर जीरो, टी इज इक्वल टू टी पर ए माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या? एक्स। सिंपल सा मैंने लिया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ए से बी, इनिशियल पे क्या है कंसेंट्रेशन ए, टाइम टी पर क्या है भाई ए माइनस एक्स। बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल। अब
यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, के इज इक्वल टू वन बाई टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन अल्फा क्या है, अल्फा क्या है भाई, यहां पर अल्फा है कितना कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, तो कितना कन्वर्ट हुआ x, इनिशियल कितना था a, तो मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे यहां से x बाय a निकालना है। ये क्या होगा, kt इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा एल एन ए माइनस एक्स बाय ए इज इक्वल टू माइनस के टी, ए माइनस एक्स बाय ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, ठीक है भाई। आगे बढ़ता हूं, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स बाय ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, एक्स बाय ए इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, और एक्स बाय ए क्या है अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस के, दिस इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये आपको और क्या बताता है, और अल्फा देखो आपको क्या कहता है, अल्फा आपको कहता है कि एक्स तो क्या है भाई, वो स्पीसीज जो रिएक्ट हो चुकी है या फिर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, और ए क्या है, वो स्पीसीज जो इनिशियली आपने ली थी, वो अमाउंट जो इनिशियली आपने लिया था किसका, रिएक्टेंट का। तो अल्फा और क्या कह सकता है आपको, अल्फा आपको क्या बता सकता है, फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज रिएक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज रिएक्टेड, या फिर फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, वो भी मैं अल्फा को बोल सकता हूँ। अगर यहां पर ऐसा होता, अगर रिएक्शन ऐसी होती, सपोज करो रिएक्शन ऐसे होती, एम इंटू ए गोज टू पी, और मुझे क्या निकालना होता अल्फा, तो अल्फा आप निकालोगे, अभी निकालोगे आप, अल्फा आ जाता, सीधा आ जाता, वैसे तो डायरेक्ट लिखते क्या, वन माइनस ई की पावर माइनस एम के टी, एम किसके साथ आता है भाई, टाइम के साथ स्टोकेमेट्री इन्वॉल्व हो जाती है, हर एक एक्सप्रेशन में स्टोकेमेट्री किसके साथ जाएगी भाई, टाइम के साथ जाएगी, हर एक में किसके साथ जाएगी, टाइम के साथ जाएगी। तो यहां पर एक बात और नोटिस करने की है, यहां पर एक बात और नोटिस करने की, कौन सी भाई, अल्फा क्या है, अल्फा है फ्रैक्शन, एफ आर ए सी टी आई ओ एन, फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज रिएक्टेड। तो वन माइनस अल्फा क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज या फिर रिएक्टेंट अनरिएक्टेड या फिर और रिमेनिंग, कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है, या फिर फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज रिमेनिंग या फिर फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीज अनरिएक्टेड। तो अल्फा तो क्या था भाई, वन माइनस ई की पावर माइनस एम के टी, वन माइनस अल्फा क्या है भाई, वन माइनस माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस एम के टी, तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम के। बोलो भाई किसी को डाउट है तो, बोलो भाई किसी को डाउट है तो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बोलो बोलो, डाउट है तो किसी को, लास्ट स्लाइड शो करूं, लो भाई
बोलो भाई। आगे वाली क्लास तक आपको जो मैंने काइनेटिक्स 3 पोर्शन में डिवाइड किया था ना, एक पोर्शन खत्म हो जाएगा। ये आज 5 क्लास हो जाएंगी शायद, 5 या 2 होंगी, पता नहीं, नहीं 4 क्लास हो जाएंगी। हाँ 4 क्लास होंगी। कौन सी, ये कौन सी क्लास है, तीसरी या चौथी क्लास है, देखने दो मुझे। हाँ 3rd क्लास है। तो 4 क्लास में आपका जो पहले वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा सारा का सारा। जो मैंने काइनेटिक्स को आपको 3 पोर्शन में पढ़ने के लिए बोला है, तो एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आज। मतलब कि 33% तो नहीं कह सकता, 25% काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब एसएससी खत्म होगा ना, तो 80% काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी। जैसे एसएससी खत्म होगा, 5-6 क्लास लगेंगे एसएससी में, तो 80% काइनेटिक्स हो जाएगी खत्म। फिर नहीं बचेगा कुछ भी, फिर कुछ नहीं बचेगा। डाउट है क्या किसी को भी, बोलो। बोलो भाई फटाफट। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो इधर आप मुझे बताओगे, कोई रिएक्शन है 3A goes to 4B, इसके लिए अल्फा क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए अल्फा क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए अल्फा क्या होगा। ऑप्शन देता हूं भाई, ऑप्शन देता हूं आपको। जो वो मैंने आपको बताया वो नहीं बताना आपको, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। ए ऑप्शन आपके पास है एक्स बाय ए, बी ऑप्शन आपके पास है 4x/a, सी ऑप्शन आपके पास है a-3x/a, डी ऑप्शन आपके पास है 3x/a। अल्फा क्या होगा इनमें से, इनमें से अल्फा क्या होगा। भाई जब पेपर वाला आपसे पूछेगा कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा अल्फा लगाना है या नहीं लगाना है। इस तरीके का सवाल आएगा तो ही अल्फा लगाना, नहीं तो अल्फा नहीं लगाना। इस तरीके का सवाल आएगा तो ही अल्फा लगाना है, नहीं तो अल्फा नहीं लगाना। बोलो भाई। विनय कुमार यादव गलत जवाब। और कोई, पिंकी यादव गलत जवाब भाई फिर से। और कोई, सूर्यांश कश्यप गलत है भाई, भूपेंद्र गलत है जवाब। सागर सही है भाई जवाब, सागर सही है जवाब। गौरव गलत है जवाब। सुगंधा बिल्कुल सही जवाब है। प्रीति गलत है जवाब। और कोई भाई बोलो। हर्षिता गलत जवाब है। पिंकी यादव फिर से गलत जवाब। कितने बताओगे, सारे ऑप्शन बता दोगे क्या? लो भाई हो गया खेल खत्म। देख लो थ्री ए गोज टू फोर बी, इनिशियल अमाउंट ए 0, ए में से 3x जाएगा, बनेगा कितना 4x। अल्फा क्या होता है, अमाउंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट।
तो कितना कन्वर्ट हुआ है? 3x. इनिशियली कितना था? यहाँ पर अल्फा नॉट इक्वल टू एक्स बाई ए. ये गलत है, ये क्या है सही, ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं भी. नंबर 4, रोटेशन ऑफ शुगर. रोटेशन ऑफ शुगर, रोटेशन ऑफ शुगर. शुगर क्या होती है भाई? सुक्रोज. सुक्रोज कहाँ जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज. सुक्रोज कहाँ जाती है भाई? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में. ठीक है भाई, अब इसको डिनोट करता हूं एस से. ये कहां जाती है? ग्लूकोज में. और ये कहां जाती है? फ्रक्टोज में. अब ये क्या होती है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है. डेक्स्ट्रो. ग्लूकोज में क्या होता है? डेक्स्ट्रो. और ये क्या होता है? लेवो रोटेटरी होता है. ये क्या होता है? लेवो रोटेटरी. डी डी एल, डी डी और एल. ठीक है, देखो भाई अब मैं सिंपल रिएक्शन लिखता हूं इसके लिए. यहां पर लिखता हूं सुक्रोज. सुक्रोज गोज टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. शुरू में सारा का सारा क्या होगा? जब टाइम जीरो होगा तो सारा का सारा सुक्रोज ही होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा. जब टाइम टी होगा तो ये ए माइनस एक्स होगा, ये एक्स होगा और ये क्या होगा? एक्स होगा. जब टाइम टी इनफाइनाइट होगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. ये भी ए और ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. अब शुरू में कुछ रोटेशन होगी इसकी. शुरू में क्या रोटेशन होगी भाई? आर नॉट. शुरू में क्या रोटेशन होगी? आर नॉट. अब ये रिएक्ट होके कहां जा रहा है? डेक्स्ट्रो और लेवो में. तो रोटेशन चेंज होगी पक्का. अब जितना अमाउंट रिएक्ट होकर आगे जाएगा उतनी ही रोटेशन क्या होती चली जाएगी? चेंज होती चली जाएगी. तो यहां क्या लिख सकता हूं? अमाउंट, अमाउंट ऑफ सुक्रोज सुक्रोज रिएक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अमाउंट ऑफ सुक्रोज रिएक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रोटेशन, इन रोटेशन, चेंज इन रोटेशन. इनिशियली कितनी रोटेशन थी जब कोई ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं था? तो आर नॉट था. टाइम टी पर कितना है भाई? आर टी है. और इनफाइनाइट पर कितना है भाई? आर इनफिनिटी है. आपको ये अमाउंट पता नहीं होगी, आपको तो क्या मेजर करना है? ये रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू को नोट करना है. स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू को क्या करना है भाई? नोट करना है. ठीक है, डेरिवेशन पर ना जाता हुआ, डेरिवेशन पर ना जाता हुआ मैं सीधा लिखता हूं रेट एक्सप्रेशन के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ आर नॉट माइनस आर इनफिनिटी डिवाइड बाय आर टी माइनस आर इनफिनिटी. दिस विल बी द रेट एक्सप्रेशन. ये किससे चेंज हुआ है? k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स. ठीक है भाई, ध्यान रखना ये चीज. तो ये कन्वर्ट हुआ है इससे. समझ में आई बात? आपको बस एक्सप्रेशन ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है. k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ, नेट में शायद क्वेश्चन आ चुका है, इससे ही क्वेश्चन आया था भाई, शुगर की रोटेशन से ही क्वेश्चन आया था शायद 2 साल पहले. तो आपको ये ध्यान रखना भी फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी और आर टी माइनस आर इन्फिनिटी. इन्हें भाई पहले गलत बता था, पहले बी बता था तुमने, झूठ बोल रहे हो ऊपर से. देखो इधर बताते रहो, सही गलत मुझे क्या फर्क पड़ता है. देखो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन. क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखता हूँ. देखो फॉर द गिवन डाटा फ्रॉम द गिवन डाटा, देखो बोल के फ्रॉम द
गिवन डाटा द टाइम एट विच मोलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. वो टाइम जहां पर मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. ठीक है, आपको बताना है जिस टाइम पर मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव. यहां पर देता हूं टाइम, यहां पर देता हूं रोटेशन. 0 मिनट में है वही टाइम, मिनट में है टाइम. 0 पर है रोटेशन 19, 10 पर है रोटेशन 0 और 12 इनफाइनाइट टाइम पर रोटेशन है, इनफाइनाइट पर रोटेशन है -12. ठीक है, सॉल्यूशन आंसर क्या हो जाएगा, 10 मिनट्स पर, क्योंकि 10 मिनट्स पर कोई भी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. 10 मिनट्स पर कोई भी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कोई भी रोटेशन प्रेजेंट नहीं है. तो उस टाइम मॉलिक्यूल क्या है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव है. उस टाइम मॉलिक्यूल क्या है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, क्लियर होगी बात, डाउट हो तो पूछो भाई. क्लियर हो गया भाई, ठीक है भाई. आपको बताना है एक और क्वेश्चन आपके लिए. फ्रॉम द गिवन डाटा फाइंड द टाइम एट विच मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. डाटा रहा ये आपके पास. टाइम किस में है, मिनट में है, और यहां पर रोटेशन है. टाइम और रोटेशन. ठीक है भाई, टाइम आपके पास 0 मिनट, 10 मिनट और इनफाइनाइट. ठीक है, यहां पर 12, 10, -19. आपको बताना है कि किस टाइम पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. देखो भाई, देखो एक बार इधर, ये नहीं होगा तुमसे, बोर्ड में देखो. सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे वो टाइम निकालना है टाइम वो वाला निकालना है एट विच आर टी इज इक्वल टू 0, जिस टाइम के ऊपर आर टी क्या हो जाए, कोई भी रोटेशन ना हो. ठीक है, अब इसके लिए मैं सीधा तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं है. और यहां पर तो सीधा सीधा दिख रहा था कि 10 मिनट पर कोई रोटेशन शो नहीं करता, पर यहां पर ऐसा कोई चीज नहीं. ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले रेट कॉन्स्टेंट निकालना होगा. पहले क्या निकालना होगा, रेट कॉन्स्टेंट. वो कैसे निकलेगा, देखो, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी इज इक्वल. देखो 2.3 बाई टाइम कितना, अभी यहां पर 10 मिनट, 2.303 बाई 10 log of क्या आ जाएगा भाई, आर नॉट, 0 पर कंसंट्रेशन कितनी है 12, माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई 10 माइनस -19,
यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी के की, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा के। अब मुझे क्या करना है, नाउ आर टी इज इक्वल टू जीरो और टी मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के। के कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा लोग आर नोट, आर नोट तो फिर से 12 माइनस माइनस 19 और यहाँ पर क्या 0 माइनस माइनस 19, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी वो टाइम जहां पर रोटेशन क्या हो रही है जीरो हो रही है, टाइम जहां पर रोटेशन क्या हो रही है जीरो। हर्षिता गलत है, हर्षिता गलत जवाब है, चेक कर लो भाई, ऐसे निकल जाएगा भाई, ऐसे निकल जाएगा पक्का, ऐसे सॉल्व हो जाएगा पक्का, 100% सॉल्व कर लोगे ऐसे। पता लगा भाई, हो गया क्या, देखो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 5। देखो भाई अगर अलग अलग टाइम पर दो अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन हो, अगर अलग अलग टाइम पर दो अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन हो और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही हो तो भी आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। इफ इफ टू डिफरेंट कंसंट्रेशन आर नोन, इफ टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर नोन एट different times then rate constant k s। देखो भाई मुझे पता है t1 पर concentration है कितनी c1, t2 पर concentration कितनी है भाई c2, और reaction कैसी है भाई first order, सारी बातें किसके लिए हो रही हैं first order के लिए हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई da by dt is equal to k into a minus का, ये क्या आएगा भाई minus da by a is equal to k into dt, t1 से t2, c1 से c2, ठीक है भाई, बल्कि dc लिखना चाहिए मुझे dc, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये c है ये भी c है c और c, क्योंकि c में ले रहा हूं ना कंसंट्रेशन, c में ले रहा हूं, तो ये क्या होगा भाई ये होगा dc by c is equal to minus k t2 minus t1, यहां से क्या आ जाएगा भाई यहां से आ जाएगा ln c c1 से c2, ये आ जाएगा ln c2 minus ln c1 is equal to minus k t2 minus t1, ये क्या आ जाएगा ln c1 minus ln c2 is equal to k into t2 minus t1, k क्या आ जाएगा भाई ln c1 by c2 divided by t2 minus t1, this will be the rate constant, या फिर ठीक है ऐसे सही है, बोलो हर्षिता गलत कर दिया भाई, के निकालने में गलती कर दी, गड़बड़ कर दी निकालने में आपने,
सागर भी देख लेना, क्लास का टाइम होने वाला है, थोड़ा सा बचा जो है आप देख लेना, बस लास्ट की 5 मिनट का देख लेना। दूसरा क्या कहता है भाई, फर्स्ट ऑर्डर का ही केस है, फर्स्ट ऑर्डर का ही केस है और दो अलग अलग टाइम पर रेट दिए हुए हैं। इफ टू वैल्यूज ऑफ रेट आर नोन एट टू डिफरेंट टाइम्स, लास्ट टॉपिक बचा भाई ये इसलिए करवाना था मुझे, देख लेना लास्ट की 5 मिनट का वीडियो देखना आपको बस। अगर दो वैल्यू रेट की पता है, अगर रेट की दो वैल्यूज पता है अलग अलग टाइम के ऊपर, तो क्या कहोगे, मान लो आर वन है रेट टी वन टाइम पे, आर टू है रेट किस टाइम पे, टी टू टाइम पे, तो आर वन क्या होगा भाई, आर वन क्या होगा, के इन टू सी वन, आर टू क्या होगा के इंटू सी, आर वन क्या होगा के इंटू सी वन, आर टू क्या होगा के इंटू सी टू, अलग अलग कंसंट्रेशन पर। हाँ उल्टा लिख दिया मैंने शायद, डिफरेंट कंसंट्रेशन आएगा भाई यहाँ पर, ये तो हो गया ना शायद, नहीं टाइम और कंसंट्रेशन हुआ, ठीक है अलग अलग कंसंट्रेशन पर भाई, कंसंट्रेशन C1 और सही है, सही है यहाँ पर C1 और यहाँ पर C2, this implies R1 by R2 is equal to C1 by C2, वही रख दूंगा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, this implies K is equal to ln R1 by R2 divided by T2 minus T2, दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर रेट दिए गए हैं या फिर दो अलग अलग टाइम पर दो कंसंट्रेशन दी गई है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर रेट या फिर दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर टाइम, तो आप इस फॉर्मूले से रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हो। बोलो भाई डाउट है तो कोई आपको, थैंक यू भाई सूर्यांश, देखो अभी कहीं भी डाउट है तो लेक्चर में आपको काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी तो आपने, थोड़ी सी अलग थी, ठीक है भाई हर्षिता। हाँ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन है आज की क्लास के बाद, जो पहला असाइनमेंट है ना जिसमें 39 क्वेश्चंस हैं, वो पहले जो पहले 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपसे आज की क्लास के बाद, तो आपको 39 के 39 क्वेश्चन करने हैं अभी के बाद, ठीक है भाई, ठीक है अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं, आगे वाली क्लास में बात करेंगे। ठीक है थैंक यू, आगे वाली क्लास में बात करते हैं, तब तक आगे वाली क्लास में आप लोग असाइनमेंट डाउनलोड कर लोगे, असाइनमेंट आपके फ़ोन में होना चाहिए, मैं यहाँ पर असाइनमेंट ओपन नहीं करूँगा, मेरे पास भी फ़ोन में असाइनमेंट होगा और मैं वहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर बोलूँगा और आपको क्वेश्चन नंबर पढ़ना, मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा।
ध्यान रखना, आगे वाली क्लास में असाइनमेंट लेकर आना। थैंक यू।